आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 25 साल पहले जब हमारा गांव काफी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था, उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही लोगों के पास पक्के के मकान। लोग रात को मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में ही अपना गुजर बसर किया करते थे, और अगर रात के वक्त कहीं बाहर जाना हो तो टॉर्च का सहारा लिया करते थे। उस वक्त हमारे गांव में सुविधाओं की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। मगर उसी सुकून के बीच एक डर भी था, जमींदार साहब के बगान का डर। क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस बगान में रात के वक्त आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं। जमींदार साहब भी काफी समय पहले अपने घर को छोड़कर गांव से चले गए, लेकिन जमींदार साहब इस गांव को छोड़कर क्यों गए इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया। असल में रात तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली सुबह जमींदार साहब और उनके परिवार वालों का ना तो उनके घर में कोई पता चला और ना ही पूरे गांव में, जिस कारण काफी लोगों का ये भी मानना है कि जमींदार साहब और उनके परिवार वालों को उन शैतानी आत्माओं ने मार डाला। लेकिन ये बात भी सच है कि जमींदार साहब के घर बनाने से काफी सालों पहले वो बगान एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। और तो और, मैं या कोई भी जब उस बगान के अगल बगल से गुजरते तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जिस कारण गांव का कोई भी आदमी रात के वक्त उस बगान की तरफ नहीं जाता है। हालांकि मेरे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक सुबह मैं उठकर चाय पी रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त मोहन भागता हुआ मेरे पास आया। तो उसे इस तरह से भागता देख मैंने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तू भाग क्यों रहा है? इस पर मोहन ने कहा, राजू तुझे पता नहीं है क्या, हरिया काका मर चुके हैं और उनकी डेथ बॉडी उसी भूतिया बगान के पास मिली है। मोहन की ये बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि तभी मोहन ने दोबारा कहा, गांव वाले बोल रहे हैं कि ये भी आत्माओं का ही काम है। हालांकि मैं और मोहन, हम दोनों इन सब बातों को नहीं मानते थे। इस पर मैंने मोहन से कहा, मोहन आज रात हम दोनों उस बगान में जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर मोहन ने कहा, हाँ ठीक है आज हम लोग जाकर देखते हैं। जिसके बाद हमने तय किया कि जब सभी लोग सो जाएंगे तो हम ठीक रात के 10 बजे उस बगान के पास मिलेंगे। सारी बात तय करने के बाद हम भागकर हरिया काका की डेथ बॉडी को देखने गए। अब हमें इंतजार था तो बस रात होने का, ताकि हम ये पता लगा सकें कि आखिर उस बगान में है तो है क्या। देखते ही देखते दिन ढलने लगा। दोपहर का खाना पीना खाकर सोकर जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का, लिहाजा अभी से ही सारा गांव सन्नाटे में डूबने लगा था। जिसके बाद ठीक रात के 8 बजे हम सभी ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। अब मुझे इंतजार था तो बस घर वालों के सोने का, ताकि घर वालों के सोने के बाद मैं उस बगान की तरफ जा सकूं। और ठीक ऐसा ही हुआ। 10 बजे से आधा घंटा पहले, यानी कि रात के 9:30 बजे ही मेरे सभी घर वाले सो गए, लेकिन मुझे 10 बजे जाना था तो मैंने आधा घंटा और इंतजार किया। जिसके बाद रात के 10 बजे एक टॉर्च लेकर सबसे छुपाते छुपाते धीरे धीरे मैं घर से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार इधर उधर घुमाई तो मैंने देखा कि सारा गांव एकदम से वीरान हो चुका है। दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा
इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो इंसान तो दूर जानवर भी गांव में हो रहे अजीब अजीब घटनाओं से काफी डर रहे हो। खैर, मोहन ने मुझे बगान में आने को कहा था तो मैंने अपना टॉर्च जलाया और दबे पांव बगान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से बगान यही कोई 5 मिनट की दूरी पर था। तुरंत ही बगान पहुंच जाऊंगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस कारण मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी भी उस अंधेरे के सामने काफी कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैं उस बगान के करीब पहुंचा तो ना जाने क्यों उस बगान के करीब आते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मगर मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैं चलकर बगान के अंदर दाखिल हुआ तो बगान के अंदर का माहौल इतना वीरान था कि मानो ये बगान इस दुनिया में ही ना हो। खैर, बगान के अंदर आकर मैं इधर उधर मोहन को देखने लगा, लेकिन मोहन मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। मगर मोहन ने तो कहा था कि वो ठीक 10 बजे मुझे बगान में ही मिलेगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर बगान के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर गई तो पेड़ के ऊपर का नजारा देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि पेड़ के ऊपर एक डाल पर कोई अपने पैरों को नीचे लटकाकर बैठा हुआ था। मगर घना अंधेरा होने के कारण मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतनी रात गए इस बगान के पेड़ के ऊपर कौन होगा, ये सोचकर मैं काफी सहम गया। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च की लाइट को उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो ऊपर कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त मोहन बैठा हुआ था। लेकिन मोहन पेड़ के ऊपर कर तो कर क्या रहा है, उसे तो पेड़ के ऊपर चढ़ना भी नहीं आता। फिर वो पेड़ के ऊपर गया तो गया कैसे। खैर, मैं चलकर पेड़ के पास गया और आवाज लगाकर मोहन से कहा, मोहन तू पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है, नीचे उतर। तो मेरी आवाज सुनते ही मोहन ने मेरी ओर देखा और झटपट पेड़ से नीचे उतरने लगा। वो पेड़ से नीचे इस तरह से उतर रहा था कि मानो उसे पेड़ के ऊपर से गिरने का कोई डर ही ना हो। देखते ही देखते मोहन पेड़ से उतरकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहा, चल चल थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं। जिसके बाद मैं और मोहन हम दोनों चलकर बगान के अंदर जाने लगे। मगर चलते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मोहन का बर्ताव अब मुझे काफी बदला बदला सा लग रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मोहन अचानक एक पेड़ के पास खड़ा हो गया तो उसे अचानक इस तरह खड़ा होता देख मैंने मोहन से कहा, अरे मोहन क्या हुआ तुझे, खड़ा क्यों हो गया। मगर इस पर मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं चलकर मोहन की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही मैं मोहन के करीब पहुंचा तो मोहन एकदम से मेरी ओर पलटा तो मोहन के पलटते ही उसके चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि अब मोहन की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका चेहरा अब जरा हुआ दिखाई पड़ने लगा था। साथ ही साथ उसकी दोनों आंखें भी गायब थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये मोहन नहीं बल्कि भूत है जो मोहन का रूप लेकर मुझे मारने आया है और अब शायद मैं नहीं बचूंगा। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां असली वाला मोहन आ गया और उसने आते ही उस भूत के ऊपर भभूत छिड़कने लगा, जिससे वो भूत एकदम से गायब हो गया। इस पर असली वाले मोहन ने कहा, मुझे पता था
कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसलिए मैं अपने साथ भभूत ले आया। जिसके बाद हम भागकर घर आ गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब घड़ी में रात के 8 बज रहे थे जब हम सारे दोस्त हमेशा की तरह ही पंडित कृष्ण कुमार जी के घर में कहानी सुनने आए हुए थे। कृष्ण कुमार जी हमारे गांव के इकलौते पंडित हैं। गांव में कोई भी शुभ काम पंडित जी के बगैर होता ही नहीं था। पंडित जी की कहानियां इतनी मज़ेदार होती थी कि हम सारे दोस्त कई कई घंटे उनके घर में कहानियां सुनते रहते थे। उस रात भी पंडित जी ने कहानी बताना शुरू किया। सुनो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अपने साथ घटी एक भूत की कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना, और हाँ, याद है ना, बीच में किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। इतना कहकर पंडित कृष्ण कुमार जी ने वो कहानी शुरू की जिसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में भूल नहीं सका। बात आज से तकरीबन 25 साल पुरानी है। तब मैं यानी पंडित कृष्ण कुमार जी जवान हुआ करते थे। बदन में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन दिनों शादियों का लगन चल रहा था। दिन में 2-3 शादियां तो मैं आराम से निपटा ही लेता था, और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, क्योंकि शादियां सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं बल्कि अगल बगल के गांवों में भी लगातार होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक जमींदार साहब की बेटी की शादी में जाना था। हालांकि वो गांव हमारे यहां से काफी दूर था, मगर उस गांव के जमींदार साहब से मेरी अच्छी जान पहचान थी, और उनकी ये खास इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी मैं ही करवाऊं। तो मैं किस मुंह से मना करता, लिहाजा मुझे वहां जाना ही पड़ा। रात के तकरीबन 10-10:30 बजे तक सारे बाराती पहुंचे, जिसके बाद मेरा काम शुरू हुआ और आधा एक घंटा में निपट भी गया। दक्षिणा देने के साथ ही साथ जमींदार साहब ने मुझसे बहुत गुजारिश की कि मैं खाना खाकर जाऊं, मगर पहले से ही इतनी रात हो चुकी थी और अगर मैं खाना खाने बैठता तो और भी रात हो जाती। हालांकि जमींदार साहब तो मुझे उनके यहाँ रुकने के लिए भी बोल रहे थे, मगर मैं नहीं माना। नई नई शादी हुई थी, बीवी घर पर अकेली थी, ऐसे में अगर मैं वहाँ रुक जाता तो अच्छा नहीं रहता। जमींदार साहब के बहुत जिद करने पर मैंने उन्हें खाना बांधने के लिए बोल दिया कि घर पर खा लूंगा, जिसके बाद जमींदार साहब ने फटाफट मेरा खाना बंधवा दिया और मैं खाना लेकर चल पड़ा अपने घर की ओर। रात काफी हो चुकी थी। गांव के उस कच्चे रास्ते पर जिस पर फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर कोई इंसान तो क्या जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पास दक्षिणा के काफी सारे पैसे थे, इसलिए मैं तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में पूरा रास्ता दिन की तरह चमक रहा था। हालांकि उतना साफ तो नहीं था, मगर रास्ते पर चल पाऊं इतना दिख रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कदमों के साथ ही साथ मुझे किसी और के कदमों की आवाज आने लगी। मेरे आगे तो कोई नहीं था, इसका मतलब साफ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक काली सी परछाई जो कि किसी आदमी की थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एक बार के लिए सर से लेकर पैर तक मेरा पूरा शरीर कांप गया, मगर फिर मैंने सोचा
शायद यहीं का कोई आदमी होगा, मेरी तरह कहीं जा रहा होगा। इतना सोचकर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा हो गया कि पहले उस आदमी को जाने देता हूं। मगर जैसे ही मैं रुका कि वो आदमी यानी वो काली सी परछाई भी एकदम से वहीं पर रुक गई, मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरे रुकने पर वो आदमी रुका क्यों, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने वापस से आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरी देखा देखी उस परछाई ने भी चलना शुरू कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है, मगर मैं उस वक्त ये भी जानता था कि मेरा एक गलत कदम मुझे मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा ताकि मैं वहां से 9:00-11:00 हो सकूं। अभी भी उस आवाज को मैं पीछे से साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। तभी आगे चलते चलते मैंने धीरे से कहा, देखो तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं जमींदार साहब का खास आदमी हूं, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सोच लो। मगर इस पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया और ना ही चलने की आवाज आनी बंद हुई। मैं एक दफा फिर पीछे पलटा तो पाया कि मेरे पीछे एक नहीं बल्कि अब दो लोग आ रहे हैं। वो दोनों बहुत ही अजीब तरह से चलते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी, मुझे अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। मैं दौड़ रहा था और बार बार पीछे पलटकर भी देख रहा था तो पाया कि अब धीरे धीरे पीछे काफी सारे लोग जमा हो जा रहे हैं। मगर मैं रुका नहीं, मैं तेजी से भागता रहा। अभी मैं बहुत ही तेजी से रास्ते पर दौड़ ही रहा था कि तभी अचानक मैं किसी आदमी से जोर से टकराया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि मैं खुद संभलते हुए उठता, उस आदमी ने मुझे तुरंत सहारा देकर उठाया और मुझे उठाकर कहीं ले जाने लगा, जिस पर मैंने कहा, कौन हो तुम, कहां ले जा रहे हो मुझे? इस पर वो आदमी बोला, अगर उन लोगों से बचना है तो मेरे साथ चलो। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए, जिस वजह से मैं उस आदमी की बात सुनकर उसके साथ साथ चलता रहा। वो आदमी मुझे रास्ते के किनारे जंगलों की तरफ ले जाने लगा। वो सारे लोग अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब वो लोग कौन थे और मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? इस पर उस आदमी ने कहा, आप खाना ले जा रहे हैं ना, इसलिए वो लोग आपका पीछा कर रहे थे। इस पर मैंने कहा, खाने के लिए पीछा कर रहे थे, पर वो लोग थे कौन? इस पर उस आदमी ने कहा, वो लोग इंसान नहीं थे, उन्हें इंसान समझने की गलती मत करिएगा, वो लोग प्रेत है, प्रेत, उनका यही काम है लोगों का पीछा करना और मौका पाते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, डर के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मगर तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस आदमी से पूछा, भाई साहब पर आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया, बात आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है। मैं इसी रास्ते से देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। तब मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करता था। तभी अचानक वही सारे प्रेत मेरा पीछा करने लगे। पहले तो मुझे लगा शायद वो लोग इंसान है, पर जब तक पता चला कि वो लोग प्रेत हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मैं उन लोगों के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था और फिर उन लोगों ने मुझे जान से मार डाला। उस आदमी की पूरी बात सुनकर मैं यानी पंडित जी डर के मारे कांपने लगा। मैंने एक नजर उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो सही में उस आदमी के दोनों पैर उल्टे थे। डर के मारे अभी मैं वहां से भागने जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं उन प्रेतों की तरह नहीं हूं और अगर अभी तुम वापस उस रास्ते पर गए तो मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम दोनों जंगल के रास्ते पर ही चलते रहे। कुछ देर आगे जाने के बाद उस आदमी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया। फिर मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। घर पर मैंने ये बात सबको बताई मगर किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र गांव के बाकी लोगों से किया तो सबने कहा कि वो रास्ता प्रेतवादित है और शाम हो जाने के बाद उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं। उस दिन के बाद से मैं आज तक कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। चलो बच्चों, जाओ घर जाओ, अब काफी रात हो गई है। पंडित जी की कहानी सुनकर उस रात मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।